मैं सभी जनप्रतिनिधियों को गुजारिश करना चाहती हूँ, चाल चलन के साथ साथ आचार विचार को जनता की दिशा में, जनता के लिए, जनता के द्वारा क्यों हम आए हैं, इसलिए जनता के लिए सोचना चाहिए। और केवल हम नहीं, मैं नहीं, मेरा सच, मैं और मेरा को छोड़ के हमारा होना चाहिए। केवल मैं और मेरा सोचने से देश का या समाज का या राज्य का उन्नति शायद नहीं होगा। इसीलिए हमेशा जनप्रतिनिधि जनता के लिए, राज्य के लिए सोचना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान विधानसभा में विधायकों को ये नसीहत दी। उन्होंने जनता का हवाला देते हुए कहा कि हमसे जनता प्यार करती है तभी यहाँ भेजती है। जनप्रतिनिधियों को सिर्फ मैं और मेरा नहीं बल्कि हम और हमारा सोचना चाहिए। आजादी के बाद राजस्थान विधानसभा में पहली बार हुए राष्ट्रपति के भाषण को गौर से सुनने वाले माननीयों को शायद ये समझ नहीं आया, तभी तो सदन के पहले ही दिन हंगामा शुरू कर दिया। खास बात यह है कि जब राष्ट्रपति विधायकों को जनता के लिए सोचने की नसीहत दे रही थी, उस वक्त सदन में मौजूद सभी विधायक मेज थपथपा कर उनका समर्थन कर रहे थे, मगर कुछ ही देर में वो ये भूल गए कि थोड़ी देर पहले ही उन्होंने जनता के हितों पर हामी भरी है। पहले दिन सत्र करीब 15 मिनट तक चला और शोकाभिव्यक्ति को छोड़कर पूरा समय हंगामे में ही निकल गया। भाजपा विधायक कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों की तख्तियां लेकर सदन में आए और अपनी ही सीट पर खड़े हो गए। कुछ देर नारेबाजी की और फिर वेल में पहुंच गए, जहां करीब 6 मिनट तक नारेबाजी होती रही। इस दौरान विधायक नहीं सहेगा राजस्थान के नारे लगाते रहे। भाजपा विधायक नहीं माने तो नाराज स्पीकर सीपी जोशी सख्त हुए। उन्होंने कहा कि शोकाभिव्यक्ति के समय तो सीट पर जाएं। इस पर भाजपा विधायक सीट पर जाकर बैठे, शोकाभिव्यक्ति हुई और सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज बात यह है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने विधायकों को सीख दी थी कि उनका चाल चलन आचार विचार जनता के लिए होने चाहिए, क्योंकि सब कुछ लाइव चलता है, मगर हंगामा करने वाले माननीयों ने इस सीख को भी नजरअंदाज कर दिया। ये युग एक कंप्यूटर युग है, ये युग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चलता है। एक युग था जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में क्या बोलते हैं, कभी कभी अपने पेपरों में वो देखते हैं, कभी कभी पेपर भी उनके तक पहुंचता नहीं था, लेकिन आज घर घर तक यहाँ क्या चल रहा है, मेरे जनप्रतिनिधि जनता के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या करते और देखते समझते। बहरहाल विधानसभा का ये संक्षिप्त सत्र 21 जुलाई तक चल सकता है। सरकार इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी के लिए अब न्यूनतम आय की गारंटी देगी। इस संबंध में सदन के पटल पर बिल भी लाया जाएगा। अब एक नजर उन विधेयकों पर डालते हैं जो सदन में पेश होंगे, विधानसभा में लाए जाएंगे ये विधेयक। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक, किसानों को राहत के लिए आयोग, गिग वर्कर्स के लिए बनेगा वेलफेयर बोर्ड, प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक और नकल के मामले में आजीवन कारावास का प्रावधान जोड़ने के लिए विधेयक, जीएसटी संशोधन विधेयक, जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी विधेयक, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर विधेयक। न्यूनतम आय की गारंटी, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और किसानों के कर्ज को लेकर विवादों के निस्तारण के लिए आयोग के गठन का कानून बनाने वाला राजस्थान संभवतया देश में पहला राज्य होगा। सत्र में राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक सहित विधानसभा में पहले से लंबित विधेयकों पर 17 और 18 जुलाई को चर्चा की जाएगी। हालांकि जवाबदेही कानून पर असमंजस बरकरार है। जवाबदेही कानून को लेकर जन संगठनों की ओर से धरना दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसके विधेयक को अंतिम रूप नहीं मिल पाया है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि विधेयक आएगा या इसके लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।